दोगे? मायावती जी को? मैंने बोला नहीं, जप्पी भी दूंगा दीदी को, पप्पी भी दूंगा। आपकी लाइफ जो है काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, पिछले रंगीन भी रही है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं दुआ यार। हेलो गाइस, मैं हूं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं संजय दत्त अल्टीमेट ठग लाइफ, और इनकी ठग लाइफ में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hey, what's going on guys? This is Mahesh Keshwala, aka Thagesh, and जैसा कि मैंने promise किया था, video बनाऊंगा biggest Bollywood thug, that is Sanjay Dutt. So here Sanjay Dutt thug life. तो मामा गए थे अपनी मूवी भूमि का प्रमोशन करने, और वहाँ पे बाबा अपनी जेल की स्टोरी बताने लगे कि वहाँ पे वो कैसे अपनी दाढ़ी काली करते थे। मुझे याद है जब मैं जेल में था तो वहाँ डाय नहीं मिला, वो दूसरा मिलता था, वो गोदरेज का। ऐसा लगता था कि मैंने वो डांबर लगा दिया दाढ़ी में। तो बाबा ने तो बैठे बैठे गोदरेज के स्टॉक्स गिरा दिए भाई। अभी तुम लोग को तो मालूम ही है, बाबा के घर पे जब भी पार्टी होता है तो पार्टी का मजा बाकी लोग कम और बाबा खुद ज्यादा लेते हैं। मजाक में और खाली खाली में बाबा बहुत गाली गाली दे जाते हैं। फिर बाबा को फर्क नहीं पड़ता साथ में सुजैन हो या ऋषि कपूर हो या फिर आमिर खान, बाबा दर गाली देना वो भी खूब घान घान। प्रदीप ने बड़े वाला एक आजा सर, एक फोटो आई दुकान पर बाबा हिटलर के नाइट सर दादा तुम क्या नाम लो सर। ना ना मतलब बॉटल छुपा दो बाबा की कफन में, बाबा शमशान में पिया करेंगे, और जब खुदा मांगेगा बाबा से हिसाब तो बाबा खुदा को भी पैक बना के दिया करेंगे। इंटरव्यू में पूछा कि ऐसी रिसेंटली आपने कौन सी फिल्म देखी जिसको देख के आपको लगा हो कि इसमें मैं होना चाहिए, इतना हार्ड क्वेश्चन, और बाबा का जवाब भी उतना ही हार्ड। से एक और सवाल है बाबा, व्हाइल इन योर एब्सेंस मेनी फिल्म्स वाज रिलीज, सो वंस यू आर बैक कोई पर्टिकुलरली एक दो कोई ऐसी फिल्म है जिसको देख के आपने बोला काश ये इस फिल्म में मैं होता? मैं समझा नहीं यार की कह रहे हैं। मैं पूछे कि जदों तुसी वापस आए हो तो सा एंजू की पिक्चर देख के थानू लगे कि इस पिक्चर काश मैं होवा, इतनी वड्डी वड्डी पिक्चर लगी हैं ते थानू के देख के लगे कि मैं होवा पिक्चर? बिल्कुल यार, बैटमैन देख के मैं इस तरह लगा। ओ क्या बात है यार, बहुत ही सही। हां ओ सही बात, बैटमैन का ही लगा दिया है ना। रियल लाइफ में भी बिल्कुल चलना है, मुझे सही लगते है ना। हाँ, देखे डर लगता है। तो
कुछ साल पहले, एक्चुअली काफ़ी साल पहले बाबा उतरे थे इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उस टाइम पे बाबा ने जो जो स्पीच मारी ना वो सुन के तो खुद कांग्रेस पार्टी भी हिल गई थी। वो तो मार मार के बयान देने का, जैसे मेरे साथ हुआ, और लिख के दे देते हैं और साइन करना पड़ता है, ये कार्ड और कोटा का कानून है। मैंने कहा कि वो पुलिस वाले को मेरे सामने रखो और सेम मार मार के उसको कबूल करवा दूंगा। न्यूयॉर्क का जो आतंकवादी हमला हुआ था वो ओसामा बिन लादेन ने नहीं, इसी ने किया। तो वो इस बीच में बाबा ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन मारी थी, तो उस टाइम पे मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई थी एंड वो बहुत ही बड़ी हिट थी मूवी। तो इंटरव्यूअर ने बाबा से पूछा कि क्या आप मायावती को जादू की झप्पी देंगे, तो जस्ट थिंक बाबा ने क्या बोला, झप्पी क्या, मैं तो मायावती को पप्पी भी दूंगा। वो मैंने बोल के FIR दर्ज हो गया था वहाँ UP में। हाँ? वो इलेक्शन के टाइम पे बोला कि तुम दीदी को जादू की झप्पी दोगे मायावती जी को, मैंने बोला नहीं झप्पी भी दूंगा, दीदी को पप्पी भी दूंगा। आप हमें जादू की झप्पी देंगे, मैंने बोला दूंगा भैया, उन्हें को आप देंगे, मैंने बोला दूंगा, जादू की झप्पी भी दूंगा और जादू वाले गाड़ी करेंगे, झप्पी भी देंगे। ये सवाल मुझे पूछे मिलता है क्या संगीत से, मेरे दिल को सुकून मेरे रूह को चैन, मुझे भलता इसमें मेरे भरते नैन, मेरी सांसें थमती है ये धड़कन एम, हूं मैं नकली व्यक्ति है ये तेरा फैन। तो अभी हम सबको मालूम है बाबा की लाइफ बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है, तो उसी बारे में इंटरव्यूअर ने बाबा से सवाल पूछा। सर अब आपकी लाइफ जो है काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, पिछले रंगीन भी रही है यार। रंगीन तो होगी ना भाई, बाबा की 308 गर्लफ्रेंड थी। तो अगली क्लिप में था भाई दिवाली का टाइम, और दिवाली का टाइम मतलब बाबा के घर पे दिवाली की पार्टी, और बाबा के घर पे पार्टी मतलब पार्टी भी बहुत सही है। आपको गाली सुनाई देती है, मुझे नहीं देती, उससे पहले वाला सुनाई देता है। मतलब एक बात तो क्लियर है, चाहे कितना भी हो आपकी मीडिया कंपनी को लॉस, अगर आप दिवाली में काम कर रहे हो तो बाबा डजंट केयर अबाउट योर बॉस। तो भाई ये रहे बाबा के कुछ बहुत ही ज्यादा हार्ड बोनस थग लाइफ क्लिप्स। देखने में भी कितने खतरनाक लगते हैं, बिल्कुल डेंजरस। 100% सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय भोलेनाथ। सर रिकॉर्डिंग हो रही थी, अगर दो लाइन अगर कुछ गुनगुना दे हमारे लिए, कौन सी वो लाइन थी? उसके पैसे लगते भाई
मैं भाई तो फिकर ना कर उसकी माँ की उसकी लेने में इनको बहुत ही तो भाई नेक्स्ट वीक के आसपास आ रही है मेरे व्लॉगिंग चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो, तो व्लॉगिंग चैनल को भाई सब्सक्राइब करो एंड प्लीज उसको सपोर्ट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, तो प्लीज प्लीज उधर जाके सब्सक्राइब करो व्लॉगिंग चैनल को। और अगर तुम्हारी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो, एंड जो भी तुम्हारी वीडियो रिक्वेस्ट है वहाँ पे मेरे को बताओ, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। भाई इस वीडियो को लाइक करो और मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, एंड संजू बाबा थग लाइफ पे तुम लोगों का क्या ख्याल है मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, नाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। उनके घर पे होली भी बहुत होती है, हाँ, पार्टीज बहुत ज्यादा होती है दिवाली की, और बहुत सारी दूसरों की भी हमने एक्टर्स की ठग लाइफ देखी थी, लेकिन किसी के भी घर में पार्टी नहीं हो रही थी, लेकिन इनको भी बहुत ज्यादा शौक है ना पार्टी रखने का, मजा तो बहुत आता है। और उसमें जो ठग लाइफ होती है, हर पार्टी में एक दो गालियां तो जरूर है, और वो रिकॉर्ड में भी आ गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खास तौर पर उनका जो लुक था ब्लैक कपड़ों में, वही मैं बोलने वाली थी, ब्लैक कपड़ों में बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं, और वहाँ पे उन्होंने सॉन्ग भी लगाया था नायक, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, देखने में ही इतना डेंजरस लगते हैं, पता नहीं असल में कैसे होंगे, हम तो सामने से देखेंगे बिल्कुल ही खतरनाक है। तो गाइस इनकी वीडियोस देख के हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया, इनकी ठग लाइफ तो बिल्कुल खतरनाक मजा आया, सबसे जैसे खुद खतरनाक है वैसे इनकी ठग लाइफ भी इतनी खतरनाक थी। आप बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।